तो यहाँ पे फाइनली लॉन्च हो गया है Realme का Realme 3। दोस्तों ये फोन काफी कमाल का है, ये फोन मार्केट में सीधे सीधे टक्कर देता है Redmi के Note 7 को एंड Samsung Galaxy M20 को। दोस्तों ये जो दोनों फोन है वो काफी कमाल के, बट उन दोनों फोन को कॉम्पीट करने के लिए यहाँ पे Realme ने अपना Realme 3 लॉन्च किया है। तो यहाँ पे Realme 3 का हम कंपेरिजन करने वाले हैं Samsung Galaxy M20 के साथ में। दोस्तों दोनों फोन काफी कमाल के है, दोनों फोन में आपको काफी बढ़िया फीचर देखने को मिलते हैं, बट दोस्तों यहाँ पे हमारा कंफ्यूजन होता है कि इन दोनों में से कौन सा फोन खरीदे, किस फोन का बेहतरीन परफॉर्मेंस है, किस फोन में आप बेहतरीन फोटोज खींच पाएंगे, कौन सा फोन हमें बेहतरीन बैटरी बैकअप देगा, एंड दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी है, इसका मतलब बहुत ही कम प्राइस रेंज में आपको बहुत ही ज्यादा फीचर कौन सा फोन देता है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे 8 से 10 हजार की प्राइस रेंज में एक बेहतरीन स्मार्टफोन खरीदने की, तो इस वीडियो को जो है वो अंत तक देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल, आप देख रहे हैं वेक्टर टेक चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इन दोनों फोन का कंपैरिजन शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं इन दोनों फोन की प्राइस क्या है। तो Realme का जो 3 है इसमें 2 वेरिएंट आ गए, 3 GB की रैम 4 GB की रैम, उसकी प्राइस है 8,500 एंड 11,500, क्योंकि यहाँ पे आपको HDFC का 500 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे बात करें Samsung Galaxy M20 की, उसका 3 GB का वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 11,000 में एंड 4 GB का वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 13,000 में। तो यहाँ पे लगभग 2,500 का आपको गैप देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन दोनों फोन की कंपैरिजन की, शुरुआत करते हैं यहाँ पे इन दोनों फोन की हाईलाइट से। तो दोस्तों जब ये दोनों फोन लॉन्च हुए तो कंपनी ने हाईलाइट किए इन दोनों फोन के वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, काफी कम प्राइस रेंज में आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, बट दोस्तों यहाँ पे आपको 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले Realme के फोन में देखने को मिलेगा एंड 6.3 इंच का फुल HD+ TFT पैनल आपको जो है वो M20 में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा बड़ा एंड फुल HD+ डिस्प्ले आपको जो है वो M20 में देखने को मिलेगा, बट दोस्तों दोनों डिस्प्ले का आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। ड्रैगन टेल का प्रोटेक्शन आपको M20 में देखने को मिलेगा एंड गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको Realme के डिस्प्ले को देखने को मिलेगा। तो दोनों फोन में आपको काफ़ी बेहतरीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे कंपैरिजन करें किसका डिस्प्ले बेहतरीन है, तो यहाँ पे आपको जो है वो M20 का डिस्प्ले थोड़ा सा बेहतरीन देखने को मिलेगा। बात करें ओवरऑल लुक की इन दोनों फोन की, तो दोनों फोन में आपको पॉलीकार्बोनेट मतलब कि प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिलती है, बैक साइड की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर एंड डुअल कैमरा विद LED फ्लैश जो है वो देखने को मिलता है। तो दोनों फोन दिखने में एवरेज है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे दोस्तों जो Redmi का Note 7 है वो दिखने में इनसे बेहतरीन है। दोस्तों अब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों जब भी हम कोई स्मार्टफोन लेते हैं तो उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस फोन का परफॉर्मेंस। या दोस्तों तो यहाँ पे आपको Realme के 3 में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, सिर्फ 8,500 में आपको देखने को मिलेगा MediaTek का Helio का P70 वाला ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो कि बेस्ट है 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे, एक दमदार प्रोसेसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों ये प्रोसेसर सीधे सीधे बीट करता है M20 के Exynos 7904 को। जी हाँ दोस्तों, वो भी एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, बट दोस्तों उससे बेहतरीन आपको जो है वो P70 देखने को मिलेगा। इस फोन में आप काफ़ी बढ़िया तरीके से गेमिंग कर सकते हैं, दोनों फोन में आप पबजी गेमिंग खेल सकते हैं, बट बेहतरीन क्वालिटी के साथ आप पबजी जो है वो Realme के फोन में खेल सकते हैं। बट इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट होती है बैटरी लाइफ, क्योंकि अगर आपको ज्यादा गेमिंग करनी है तो आपको जो है वो बढ़िया बैटरी लगती है। तो यहां पे ये पूरी की है M20 ने, क्योंकि इस फोन में आपको एक मैसिव बैटरी, पूरे 5000 mAh की बैटरी इस फोन में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ USB Type-C एंड फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड बात करें यहाँ पे दोस्तों Realme 3 की, तो इस फोन में आपको देखने को मिलेगी 4230 mAh की बैटरी, माइक्रो USB का पोर्ट देखने को मिलेगा, इसका मतलब इस फोन में आपको फास्ट चार्जिंग नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ पे दोनों फोन में आपको बेहतरीन बैटरी देखने को मिलती है, बट बेहतरीन बैटरी लाइफ एंड फास्ट चार्जिंग जो आपको M20 में जो है वो देखने को मिलती है। बात करें यहाँ पे दोस्तों दोनों फोन की कैमरास की, तो दोस्तों दोनों फोन में आपको बेहतरीन कैमरा देखने को मिलता है, बट मैं पहले बता दूं आपको थोड़ा सा बेहतरीन कैमरा M20 में देखने को मिलेगा। 13+5 MP का बैक कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें कि सेकेंडरी लेंस है अल्ट्रा वाइड एंगल का, जो कि काफी बेहतरीन फोटोज खींचेगा। एंड बात करें Realme 3 की, तो
में आपको देखने को मिलेगा। 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा, ये भी काफी दमदार है, नाइट में काफी बेहतरीन फोटोज खींचेगा। बट यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें तो M20 का कैमरा थोड़ा सा बेहतरीन है। बात करें यहाँ पे सेल्फी की तो 8 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको M20 में देखने को मिलेगी एंड 13 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको Realme के 3 में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको बेहतरीन सेल्फी जो है वो Realme 3 में देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से दोनों फोन में जो है आपको ऑलमोस्ट सेम कैमरास देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बात करें बाकी फीचर्स की तो इन दोनों फोन में आपको ऑलमोस्ट बाकी सभी तरीके के सेंसर सेम देखने को मिलेंगे। फेस अनलॉकिंग का फीचर आपको इन दोनों फोन में देखने को मिलेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर फोन की बैक साइड की तरफ होगा। 3.5mm का ऑडियो जैक भी होगा एंड दोस्तों इन दोनों फोन की साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया है। एंड इन दोनों फोन में हाईलाइट करने वाली बात की इस प्राइस रेंज में आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी स्लॉट देखने को मिलता है। इसका मतलब इस दोनों फोन में आपको एट अ टाइम 2 सिम कार्ड एंड 1 मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं एंड इसको जो है वो आप एक्सपांड कर सकते हो 512GB तक। तो ये जो है इन दोनों फोन में आपको ऑलमोस्ट सेम फीचर देखने को मिलते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो एंड्रॉयड की लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 9 पाई आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगी Realme 3 में एंड इसके साथ साथ आपको कलर की लेयरिंग भी देखने को मिलेगी कलर 6 की, जो कि हालांकि अभी अभी काफी चर्चा में रहा है, काफी बेहतरीन ये लेयरिंग है कलर 6 की। एंड बात करें यहाँ पे दोस्तों M20 की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एंड्रॉयड की 8.1 ओरियो, तो यहाँ पे मुझे ये डिसएडवांटेज लगा। सो दोस्तों ये थे फोन के ओवरऑल स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पे बात आती है कि इन दोनों में से कौन सा फोन बाय करें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे बता दूं अगर इन दोनों में से कौन सा फोन बेहतरीन होगा तो यहाँ पे Realme 3 M20 को सीधे सीधे किल करता है, क्योंकि सिर्फ 8,500 की प्राइस रेंज में आपको इतने सारे फीचर प्रोवाइड करता है। बट दोस्तों यहाँ पे अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है एंड आपकी अगर प्रायोरिटी है फास्ट चार्जिंग एंड 5,000 mAh की मैसिव बैटरी, तो आप जो है वो M20 की तरफ जा सकते हैं। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपको कम प्राइस रेंज में बहुत ही ज्यादा फीचर चाहिए तो आप जो है वो Realme 3 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इस फोन में आपको सिर्फ 8,500 में इतने सारे फीचर देखने को मिलते हैं, वही फीचर आपको M20 में देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे एडवांटेज है कि Helio का P70 देखने को मिलता है, एक दमदार प्रोसेसर देखने को मिलता है। सो दोस्तों ये था फिलहाल के लिए इस वीडियो में। आपको इन दोनों में से कौन सा फोन पसंद आया प्लीज बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। आप इन दोनों में से कौन सा फोन बाय करोगे एंड इनमें से कौन सा फोन का फीचर आपको ज्यादा पसंद आया वो भी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। सो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारा जो यूट्यूब चैनल है वेक्टर टेक को प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए।